Good morning, everybody. So today we are going to continue with listening skills. We were continuing with our fifth chapter, that is listening skills. हम इससे continue कर रहे हैं. पहली class already मैंने डाल दी थी. आज इस chapter की second class है. तो आज की class में हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या cover करना है. आज हम पढ़ेंगे एक तो types of listeners कौन कौन से होते हैं. पांच तरीके के listeners के बारे में पढ़ेंगे. ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव लिसनर, क्या क्या ट्रेट्स होते हैं एक एक्टिव लिसनर के. फिर हम आएंगे बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग, क्या क्या बैरियर्स हैं एक एक्टिव लिसनिंग प्रोसेस में. फिर आएंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, ये हम पढ़ेंगे. इसमें टोटल 10 प्रिंसिपल्स है. लास्ट चैप्टर में भी हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़े थे ना, व्हाट आर द इफेक्टिव प्रिंसिपल टू व्हाट आर द प्रिंसिपल्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ऐसे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स टू इफेक्टिव लिसनिंग. क्लियर? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ लिसनर्स. कितने टाइप के लिसनर्स होते हैं? पांच तरीके के लिसनर्स के बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे. फर्स्ट इज हमारा एक्टिव लिसनर. एक्टिव लिसनर कौन से होते हैं? दोज हु आर कीनली इंटरेस्टेड इन द टॉपिक एंड दोज हु आर फुली इन्वॉल्व्ड इन द लिसनिंग प्रोसेस. इन्वॉल्व्ड मतलब कि दे एक्चुअली लिसन व्हाट द स्पीकर इज सेइंग विद फुल अटेंशन. अगर आप फुल अटेंशन से सुनते हो तो क्या होगा? 100% कम्युनिकेशन हो जाएगा, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहेगा, फेलियर नहीं होगा. और कब फेलियर होएगा? बाकी सारे केसेस में कम्युनिकेशन फेलियर हो सकता है एक्सेप्ट एक्टिव लिसनिंग. देखो कैसे. एक्टिव लिसनिंग में लोग क्या करते हैं, दे लिसन टू द वर्बल प्लस नॉन वर्बल जेस्टर्स वेरी केयरफुली और दे आर कीनली इंटरेस्टेड इन द टॉपिक एंड दे कीनली लिसन टू द स्पीकर वट एवर ही स्पीकिंग. और इसमें अगर फुल इन्वॉल्वमेंट होगी हमारी, फुल इन्वॉल्वमेंट होगी, तो वील बी एबल टू वील कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन. फिर आता है हमारे पैसिव लिसनर्स. पैसिव लिसनर्स क्या होते हैं? दीज आर कंप्लीटली एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एक्टिव लिसनर्स. दीज आर ऑपोजिट ऑफ एक्टिव लिसनर्स. अब ये जो पैसिव लिसनर्स होते हैं, ये पैसिव से क्या होते हैं? पार्शियल लिसनिंग, पार्शियल लिसनर्स होते हैं. पार्शियल मीन्स आधा सुनना आधा नहीं सुनना. अब बच्चे क्या करते हैं, कुछ कुछ बच्चे क्लास में बीच बीच में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं तो उन्हें समझ में ही नहीं आता, फिर डाउट्स क्रिएट होते हैं. तो ऐसे बातें करने से क्या होगा? यू लिसन पार्शली और ये कोई नोट्स भी नहीं बनाते ऐसे बच्चे, आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करते. या तो आप नोट्स बना रहे हो तो रहे ना कि हाँ क्लास में मेरी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है, बट नोट्स नहीं बनाना. अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व नहीं करने से यू लिसन पार्शली एंड दिस लीड टू कम्युनिकेशन फेलियर इन सम सिचुएशंस. फिर आते हैं हमारे नॉन लिसनर्स. नॉन लिसनर्स कैसे लोग होते हैं? नॉन लिसनर्स ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं होते टॉपिक में. सपोजिडली अगर क्लास में पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन हो रही है या कोई ओलंपिक गेम्स के बारे में हो रही है, बास्केटबॉल के बारे में हो रही है, एनबीए के किसी भी एक्सवाइजी टॉपिक के बारे में हो रही है, बट हर बच्चे का ये इंटरेस्ट का टॉपिक तो नहीं हो सकता. तो क्या होता है, नॉन लिसनर्स आर दोस लिसनर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक. दे आर डिसइंटरेस्टेड इन द टॉपिक एंड बिकॉज दे आर डिसइंटरेस्टेड तो ये क्या प्रिटेंड कर रहे हैं? ये प्रिटेंड करते हैं कि ये सुन रहे हैं बट ये एक्चुअल में नहीं सुन रहे होते, है ना. और इनके क्या, कैसे आप पिन पॉइंट आउट करोगे कौन एक्टिवली सुन रहा है, कौन क्लास में अटेंटिव है या नहीं? ये बच्चे जो नॉन लिसनर्स होते हैं, मैं बच्चों की सेंस में आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे यहाँ पे बच्चे नहीं है, लिसनर्स ही आएगा, ठीक है. तो नॉन लिसनर्स कैसे बिहेव करते हैं? दे गिव यू अ ब्लैंक स्टेयर. ब्लैंक स्टेयर मींस कि आप जो भी बोल रहे हो, स्पीकर जो भी बोल रहा होता है उसे, उसके फेस पे बस ये ब्लैंकली देखते रहते हैं, कुछ चीज सुन नहीं रहे होते. मेंटली इनकी कहीं और ही मूवी चल रही होती है, कहीं और ही इन्वॉल्व होते हैं. फिर और क्या ट्रीट होता है, जैसे अगर मैम ने कुछ भी बोला कि अच्छा ठीक है तो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, तो अब क्वेश्चन आंसर्स पे तो ये बच्चा क्या होगा, एकदम से एंग्शियस सा हो जाएगा, ओ क्वेश्चन आंसर मुझसे पूछ लिया. तो तब यू कैन पिन पॉइंट आउट कि ही वाज अ नॉन लिसनर, ही वाज प्रिटेंडिंग टू लिसन टू मी. और क्या होता है, अब मैं आपको दू अथॉरिटी. ये ना नॉन लिसनर्स कहाँ पे होते हैं? बेसिकली अथॉरिटी वाले लोग, कुछ लोग ऐसे सुपीरियर्स भी होते हैं हु आर नॉट नॉन लिसनर्स, हु आर actually non-listeners.
तो जब सुपीरियर होता है ही जस्ट वॉन्ट्स टू से कि उसके क्या बिलीव्स हैं, वो किस में बिलीव करता है, एक्चुअल में उसे क्या चाहिए, बट एक्चुअल में वो सजेशंस तो मांगता है, बट क्या बोलता है सबॉर्डिनेट्स को कि तुम अपनी सजेशंस लेके दे दो या बोल दो, बट एक्चुअली सुनता नहीं है उन्हें, उन्हें कॉन्ट्रडिक्ट करते रहता है, या ये बोलते रहता है अच्छा ये कोई सबॉर्डिनेट बोल रहा है सर ये प्रॉब्लम है एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट, तो सुपीरियर ऊपर से क्या बोलेगा आई नो लाइक डोंट टेल मी आई अंडरस्टैंड दैट, तो पेट वर्ड्स क्या यूज करते हैं नॉन लिसनर्स, आई नो आई अंडरस्टैंड, एक्चुअल में कुछ पता वता नहीं होता जब भी हम वर्ड यूज करते हैं, अगर पता होता तो हम एक बार फिर से सुन लेते हैं कि अच्छा ठीक है ये बता रहा है क्या मेरे को एक्चुअल में प्रॉब्लम पता है कि ये मेरा सबॉर्डिनेट मुझसे कैसी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, ठीक, तो नॉन लिसनर्स क्या होते हैं हु आर डिसइंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, फिर आते हैं हमारे मार्जिनल लिसनर्स, मार्जिनल लिसनर्स क्या होते हैं हु आर वेरी इम्पेशेंट, अभी कुछ बच्चे होते हैं ना कि ये पूरा डिस्कशन चल रहा है, ये पूरा क्वेश्चन चल रहा है, ये पूरा डिबेट चल रहा है कि इस टॉपिक में क्या क्या है, ये है ये है, तो मार्जिनल लिसनर्स कौन होते हैं, मुझे बस बॉटम लाइन बता दो कि क्या आया, मुझे बस ये बता दो कि क्या पीएम ने एंड में बोला कि क्या लॉकडाउन एक्सटेंडेड है या नहीं है, मुझे पूरी स्टोरी नहीं जाननी, तो ये क्या होते हैं मार्जिनल लिसनर्स, दे आर वेरी इम्पेशेंट लिसनर्स हु आर इंटरेस्टेड इन द बॉटम लाइन ऑफ द डिस्कशन, और ये क्या करते हैं ये इन्हें ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में या ज्यादा डीपली चीजों में जाना पसंद नहीं है, बस ठीक है ऊपर ऊपर से बता दो या जो भी जिस्ट निकला आपकी कॉन्वर्सेशन का या कम्युनिकेशन का वो बता दो, क्या एक्शन लेना है इस प्रॉब्लम में बस वो बता दो हम वो करते हैं, पूरा डिस्कशन में इन्हें नहीं आता इंटरेस्ट, फिर ये होते हैं इवैल्यूएटिव लिसनर्स, इवैल्यूएटिव लिसनर्स क्या होते हैं नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ ये तो फुल ऑन इवैल्यूएशन करेंगे, वर्बल एस्पेक्ट का भी और नॉन वर्बल एस्पेक्ट का भी, तो एक्चुअल में इवैल्यूएटिव लिसनर्स क्या होते हैं कौन होते हैं जो कि सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करते हैं, नॉन वर्बली क्या एक्शंस आ रहे हैं उन सब चीजों पे फोकस नहीं करते हैं, तो इवैल्यूएटिव लिसनर्स क्या करेंगे ये इमोशंस को नहीं समझेंगे बट दे विल लिसन टू वर्ड ओनली और वर्बल एस्पेक्ट, क्लियर, अब एक बार हम गो थ्रू करते हैं कि क्या क्या है इसमें, फर्स्ट कम्स योर एक्टिव लिसनर, एज द टर्म इंप्लाइज एक्टिव लिसनर इन्वॉल्व्स दोज एक्टिवली इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस हु एक्टिवली इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस by keenly listening not only to the message but also to the way it is delivered. Now, what do you mean by way it is delivered? They pay attention to the verbal plus non-verbal aspect. That is the way it is being delivered. He मैम ने अपनी स्पीच का स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज किया, पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर बोला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर दिए कि क्या क्या सॉल्यूशंस, और फिर एंड में मांगी कि क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं, सो दे ऑल्सो पे अटेंशन टू द वे योर टॉक इज बीइंग ऑर्गेनाइज या डिलीवर्ड, ठीक, फिर आता है दे फोकस ऑन द कॉन्टेंट एज वेल एज द मैनर इन विच इट इज डिलीवर्ड, कॉन्टेंट पे भी फोकस करते हैं, मैनरिज्म पे भी फोकस करते हैं, दिस मीन्स दैट दे विल टेक नोट ऑफ वर्बल कॉन्टेंट अलॉन्ग विद इट्स नॉन वर्बल सब कॉन्टेक्स्ट, कि ये तो वर्बल कॉन्टेंट के भी नोट्स बनाएंगे साथ में जो नॉन वर्बली कहा गया है उसको भी ध्यान में रखेंगे, दे विल नॉट हेजिटेट टू सीक क्लैरिफिकेशन, आस्क लीडिंग क्वेश्चंस and show their approval by nodding their head and summarize to clearly indicate that they fully follow the speaker. तो ये लोग active listeners क्या होते हैं? They ask questions as well कि अगर कहीं पे इन्हें doubt आ रहा है तो they will ask seek clarification, ask questions और क्या करेंगे? Speaker बोलता रहे तो क्या कैसे involvement listener अपनी show करता है? By nodding their head continuously. ये नहीं मैं कह रही कि continuously तुम wobbly करते रहो अपने head नहीं. बीच बीच में नॉट करना मतलब इट इज इट कम्स सबकॉन्शियसली, यू डू इट सबकॉन्शियसली जब आप एक्चुअली टॉपिक में इंटरेस्टेड होते हो, फिर आता है समराइज, और क्या होता है ये एक्चुअल में इनमें समराइज भी कर देते हैं इन्हें जो जो भी चीजें समझ आई हुई हो, इन दिस वे द एक्टिव लिसनर्स आर क्वाइट सेंसिटिव टूवर्ड्स द फीलिंग ऑफ अदर्स, दे अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द ऑडियंस, they show empathy and make the audience and other person cared for,
सो क्या करते हैं, दे एम्पथाइज विद द स्पीकर. एंड अगर आप किसी बंदे को इन रियल लाइफ एज वेल इफ यू शो एनी बडी दैट यू केयर फॉर देम, तो वो क्या करेंगे, दे विल ओपन अप टू यू वेरी क्विकली. तो सिमिलरली अगर एक लिसनर शो करेगा दैट ही इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, तो क्या होता है, स्पीकर और ज्यादा से ज्यादा उसकी जितनी भी नॉलेज है उस टॉपिक को के रिगार्डिंग वो और ओपनली देगा. ठीक. Once the audience get the feeling that they are being cared for, they will devote themselves fully to the communication process. Clear? यही मैं हम बात कर रहे थे अभी. Once there is a mutual involvement, there will be 100% success in terms of communication. दोनों parties से, दो parties कौन सी होती है, listener और speaker. दोनों तरफ से अगर active involvement रहेगा तो क्या होगा, 100% success रहेगी हमारे communication process की. The message sent will be received correctly and feedback given is favorable enough, is in favorable manner. So it will lead to win-win situation and cause effective communication. Contrary, the audience would listen to the speaker is insensitive towards their feeling. They would remain cold and distant. ठीक, passive listeners कौन होते हैं? Passive listeners exhibit exactly opposite behavioristic traits of active listeners. Now, MCQ में आ सकता है ये question कि active listener के एकदम opposite कौन से listeners होते हैं? Non-listeners, marginal listeners, या passive listeners? Passive listeners. They pay attention only to the partial message and lack sensitivity to the nuances, subtle differences in the shades of meaning, inner meaning, non-verbal subcontext involved in the communication. अब ये होता है कि आ जाना जल्दी तुम, ये एक सरकास्टिकली भी बोल देते हैं हम. तो ये सरकास्टिकली बोल देते हैं, तो ये क्या, ये पार्शियल लिसनर्स क्या होते हैं, दे एक्चुअली समटाइम्स लिसन टू द पार्शियल मैसेज. और जोक्स भी हों या सरकास में कभी कभी मैम बोल देती हैं कि एक्टिव लिसनर और पैसिव लिसनर में फिर कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, इनको क्या समझ में आएगी, हाँ इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. बट ये तो मैंने सरकास्टिक टोन में बोला, ये तो वही बच्चा पकड़ पाएगा जिसने क्लास पूरी ढंग से सुनी होगी. तो क्या है इसका मीनिंग कि एक्टिव लिसनर और पैसिव लिसनर में फर्क है, क्या होते हैं, पैसिव लिसनर्स तो एग्जैक्ट ऑपोजिट ही होते हैं एक्टिव लिसनर्स के. तो आप समझ गए ये सटल न्यूएंसेस, सटल न्यूएंसेस का क्या मतलब है कि हिडन मीनिंग्स का क्या मतलब है. ठीक, फिर आते हैं हम अलाउ. They allow someone to speak without interruption and seeking clarification. Now, these types of listeners do not seek clarification. Which type of listeners? Passive listeners. They do not make notes. Ye notes bhi nahi banate. Nod their head in approval, maintain eye contact, and keep themselves idle. Idle baithe rehte hain. हाँ ठीक है, आप बोलते रहो, ब्लैंक स्टेयर देते रहेंगे, बीच बीच में सुन लिया, नहीं तो बीच में विंडो के बाहर देख लिया, ऊपर फैन देख लिया, किससे बात कर ली, किसी कोई आवाज आ रही है तो वहां ध्यान चला गया. ठीक है, तो ये सारे ट्रेट्स किसके हैं, पैसिव लिसनर के. अभी आपको क्या दे देंगे, क्या पता कोई सिचुएशन दे दे जिसमें ये बोले कि आप बताओ कि सपोज राहुल इज वॉट काइंड ऑफ अ लिसनर, एक्टिव लिसनर, पैसिव लिसनर, तो ये ट्रेट्स दिए जाएंगे और ट्रेट से आप पता लगा सकते हो. ठीक, पैसिव Listening is actually hearing, not listening. Hearing और listening में हमने first class में difference पढ़ा था इस chapter की में. क्या है? Hearing is a biological process. आपके eardrums में जा रही है आवाज, convert हो रही है वो signals में, brain तक पहुंच रही है. So that is hearing. Listening क्या होता है? Actually understanding and interpreting की what it actually means. Since passive listeners keep their mind closed, communication with them is futile and incomplete. कैसे रखते हैं ये, अपना दिमाग ही बंद रखते हैं और उनके साथ कम्युनिकेशन फ्यूटाइल होता है. नॉन लिसनर्स, दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ लिसनर्स. ये कैसे होते हैं, नॉन लिसनर्स डू नॉट लिसन एट ऑल, बिल्कुल सुनते ही नहीं है, बिकॉज दे जेन्युइनली आर डिसइंटरेस्टेड, बिकॉज दे आर जेन्युइनली डिसइंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट. दीज पीपल प्रिटेंड टू फॉलो द स्पीकर व्हाइल दे एक्चुअली प्रीऑक्यूपाइड विद समथिंग एल्स. एक्चुअली उनका ब्रेन क्या होता है, किसी और कामों में ही प्रीऑक्यूपाइड रहता है. ठीक, सो दे विल फेक अटेंशन, दिस इज द ट्रेट, दे विल फेक देयर अटेंशन, बट दे कुड नॉट इजिली बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर ब्लैंक स्टेयर
बट दे कुड इजिली, कुड नॉट नहीं है. आप इन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? बाय देयर ब्लैंक स्टेयर, इम्पेशेंटनेस, नर्वसनेस, मैनरिज्म. ठीक. फिर आता है दे माइट बी सफरिंग फ्रॉम रिजिडिटी ऑफ थिंकिंग एंड ईगोटिज्म. देयर कंप्लीट इनसेंसिटिविटी एंड इनसेंसिबल नेचर मेक्स देम इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर फैक्ट्स. In fact, they do not even make an effort to hear what the other person is saying. Effort भी नहीं डालते हैं तो सुनने में. Non-listener मतलब बिल्कुल सुनना ही नहीं है. मैं interested ही नहीं हूँ topic में, मेरी पसंद का topic ही नहीं है तो मैं सुनूंगा ही. You will find non-listeners among authority figures. ये भी हमने बात करी थी. कहाँ पे मिलेंगे? कोई अगर एक authority figure का अगर आपको situation दिया जाता है तो क्या होंगे वो? Non-listeners होंगे. Who will do most of the talking and will not let the subordinate easily express their ideas. ये भी हमने example सुना था कि ऐसे authority वाले people, ऐसे superiors जो कि अपना अपना ही बोलना चाहते हैं और actually में subordinate क्या बोल रहे हैं उसको सुनते ही नहीं है. Although they frequently interrupt by saying I understand and I know, they actually do not know anything or understand the subject. ठीक. जो लोग बोलते रहते हैं ना, हमें इतना फ्रीक्वेंटली नहीं बोलना चाहिए कि आई नो दिस, आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड. नो, लेट द अदर पर्सन स्पीक. अगर आपको पता भी है तब भी. बट हाँ, अगर उनका ओवर हो रहा है ये बोलना कि ये हुआ था तो देन यू कैन से दैट ओके फाइन इट्स ओके. फिर आता है मार्जिनल लिसनर्स. ये कौन सी है? ये फोर्थ टाइप ऑफ लिसनर है, मार्जिनल लिसनर. अभी हमने कौन कौन से पढ़ लिए? हमने पढ़ा एक्टिव लिसनर के बारे में, फिर हमने पढ़ा पैसिव लिसनर के बारे में, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होता है या नहीं होता एक्टिव लिसनर का? कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट. एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है एक्टिव लिसनर का पैसिव लिसनर. फिर हमने पढ़ा नॉन लिसनर्स के बारे में. नॉन लिसनर्स मतलब मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ टॉपिक में, बस मैं स्टेयर कर रही हूँ, देख रही हूँ. हाँ ठीक है, मेरे को कोई और कौन सा ऐसा है जिसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं लेते हम? पैसिव लिसनिंग. ठीक. तो ये सारे ट्रेड्स याद रखने हैं किस किस के हम पढ़ रहे हैं. फिर आता है फोर्थ, दैट इज मार्जिनल लिसनर्स. ये क्या होते हैं? इम्पेशेंट टू लिसन टू द मेन आइडिया. मार्जिनल लिसनर्स पे सुपरफिशियल अटेंशन. सुपरफिशियल अटेंशन मीन्स ऊपर ऊपर से अटेंशन की हाँ दिखाने की मैं तो सुन रही हूँ, मैं तो अटेंशन पे कर रही हूँ. बट आर इंटरेस्टेड इन ओनली इन द बॉटम लाइन. मुझे से बॉटम लाइन बता दो कि आप ये हमें जो पढ़ा रहे हो उसमें एंड में क्या हुआ. लाइक ये हमारी स्टोरी है, स्टोरी का फटाफट से मॉरल बता दो कि क्या हुआ. एक्चुअल में जो भी सस्पेंस क्रिएट हो रहा है उसमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता. दे मियरली हियर द साउंड्स ऑफ वर्ड्स बट फेल टू ग्रास्प देयर मीनिंग. दे डू नॉट गो टू द डीपर लेवल इन द आर्ग्यूमेंट. ये डीपर भी नहीं जाते आर्ग्यूमेंट्स में. दे यूज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस टू एक्सक्यूज देमसेल्व्स फ्रॉम कॉन्वर्सेशंस. एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस मतलब दे यूज एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस टू एक्सक्यूज देमसेल्व्स फ्रॉम कॉन्वर्सेशन. मैम एक्चुअली आई कैन नॉट हियर. मैम वो एक्चुअली समझ नहीं आया था, आपकी वॉइस क्रैक हो गई थी. तो ऐसे वाले बच्चे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन. मैम एकदम से ना पीछे से एकदम बहुत लाउड म्यूजिक आ गया, पीछे से ये मिस हो गया, आपकी आवाज कट गई, या विंडो के बाहर ये हो गया तो मेरा ध्यान वहां चला गया, या पीछे से किसी ने मुझे बुला लिया. सो दीज आर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस. दे विल नॉट हैव पेशेंस टू सिट थ्रू द कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रेजेंटेशन. तो इन लोगों में इतनी पेशेंस नहीं होती कि कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रेजेंटेशन में बैठे और पूरी प्रेजेंटेशन ढंग से सुने. ये नहीं सुन पाते. एंड जंप टू फाइंडिंग द कॉन्क्लूजन्स एंड जंप टू फाइंडिंग्स एंड कॉन्क्लूजन्स. इट इज रिस्की टू कम्युनिकेट विद मार्जिनल लिसनर्स बिकॉज दे आर नॉट फोकस्ड ऑन द मेन आइडिया एंड ऑफन मिसअंडरस्टैंड देयर इम्पोर्ट. इम्पोर्ट मीन्स जो एक्चुअल में ग्रास्प कर रहे हैं, दे टेंड टू मिसअंडरस्टैंड दैट. क्लियर. फिर आते हैं इवैल्यूएटिव लिसनर्स. Evaluative listeners literally assess the verbal content on the basis of the words, not paralinguistic or non-verbal cues. तो ये क्या करते हैं? They actually listen. Evaluative listeners क्या होते हैं? सिर्फ जो भी मैं बोल रही हूँ, the words I am using in speaking, they will listen only to my words, my verbal communication. They will not listen to my non-verbal cue. Paralinguistic means related to body language. ठीक.
पैरालिंग्विस्टिक का मतलब भी यहाँ पे दिया है, नॉट रिलेटेड टू वर्ड्स और नॉन लेक्सिकल. लेक्सिकल मीन्स रिलेटेड टू लैंग्वेज, नॉन लेक्सिकल मीन्स दैट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज. तो अगर मुझे नो भी करना है तो आप नो कैसे करोगे? ऐसे करते हैं ना नो. अब एक बच्चे को भी नो करना आता है, क्यों? जब एक्चुअली इट वॉज अ स्टडी कि अगर आप एक ब्लाइंड पर्सन हो जिसे दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, स्मेल नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो फिर भी वो बच्चे ना करना सीख जाते हैं. क्यों? बिकॉज एज अ चाइल्ड व्हेन आवर मदर्स आर फीडिंग अस, तो हाउ डू वी कीप आवर मुंह टू द साइड्स, वी पुट आवर फेस टू द साइड्स, एंड दैट इज हाउ वी ऑल लर्न टू से अ नो. ठीक. तो ऐसे ही ये भी स्टडी हुई थी कि वेदर इट इज अ ब्लाइंड पर्सन और वेदर इट इज अ डेफ पर्सन, उन सबको नो अपने लेक्सिकन में कहना आता है. लेक्सिकन मीन्स नॉन लेक्सिकन मीन्स वर्बल, नॉन लेक्सिकल मीन्स विद आर एक्शंस. तो ये फैक्ट है कि आपने नो बोलना कैसे सीखा. क्लियर? तो आप नो बोलने पे नहीं ध्यान देते, मेरे नॉन वर्बल जेस्टर्स पे ध्यान नहीं देते. आप क्या देते हो? अगर आप एक इवैल्यूएटिव लिसनर हो, आप सिर्फ मेरे वर्बल कंटेंट पे, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दोगे. एक्चुअल एसेंस में मेरा क्या डीपर मीनिंग है उस पे ध्यान नहीं जाएगा, इवैल्यूएशन पे जाएगा. अच्छा, इसने ये वर्ड यूज किया, चल इसका कुछ ये, इसका मतलब ये गलत कह रही है, ऐसे नहीं. जनरली दे यूज लॉजिक टू अंडरस्टैंड योर कॉन्टेंट. Hence, they distance themselves emotionally from the subject. अब क्यों कहते हैं कि फेस टू फेस जितना इंप्रेशन पड़ता है उतना वर्चुअली नहीं पड़ता? या अगर आप किसी से ऑडियो पे बात कर रहे हो या फिर आप फेस टू फेस मीट करने जा रहे हो, तो दोनों में से इंप्रेशन किस में ज्यादा पड़ेगा बताओ नीचे. एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में इंप्रेशन ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा. क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, यू सेंस द इमोशंस. जैसे कि अगर आपको किसी बच्चे के साथ कुछ समझाना हो तो क्या करते हो, कभी कभी टीचर्स ट्राई टू आपको थोड़ा सा बोल देते हैं, आपके सर पे हाथ रख देते हैं. तो दिस इज अ इमोशनल कनेक्ट दैट इज बीइंग डेवलप्ड. बट इवैल्यूएटिव लिसनर्स इमोशनल कनेक्ट बनाते हैं? वो तो सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान देते हैं, इस पे नहीं ध्यान देखें कि सर टच किया या कैसे एज अ चाइल्ड समझाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके. As a result, they do not show empathy or sensitivity to the speaker. Empathy means actually stepping into the shoe of the speaker. They do not empathize with the speaker. They are more prejudiced and judgmental as they presume the meaning before actually the speaker completes a sentence. और ये क्या कैसे होते हैं कि speaker ने sentence complete किया नहीं, कि फटाफट वो अपना ही क्या करने की कोशिश कर देते हैं, फटाफट से अपने ही दिमाग में इंटरप्रेट कर रहे थे कि हाँ इसका मतलब तो यही होगा, आगे तो मैम यही बोलने वाली है. ऐसे तो हमने 5 तरीके के लिसनर्स पढ़े, एक्टिव लिसनर, पैसिव लिसनर और नॉन लिसनर, फिर मार्जिनल लिसनर और लास्ट में इवैल्यूएटिव लिसनर. तो ये हमने 5 टाइप्स ऑफ लिसनर्स पढ़े. अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव लिसनर्स. An active listener is serious about the whole communication process. He actually remains serious. He pays attention to the speaker's stance. Stance means कैसे position में खड़े हैं, उनका perspective क्या है, actual point of view क्या है, biases and prejudices. Prejudices माने उनके personal judgments क्या है, personal opinions क्या है. इन सब चीजों पे ध्यान देता है एक एक्टिव लिसनर. ही इज इंटेंसली इन्वॉल्व्ड इन द इंटरेक्शन एंड एक्सटेंड्स मैक्सिमम एनर्जी टू हैव फुल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट मैनर थ्रू देयर आई कॉन्टैक्ट, रिसेप्टिव बॉडी लैंग्वेज, एप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशंस, नॉन वर्बल एफर्मेशंस. दे मेक द स्पीकर फील डिलीवरिंग द मैसेज टू देम अ प्लीजिंग एंड अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस. तो कैसा एक्सपीरियंस देते हैं ये? एक स्पीकर को एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस देते हैं. लाइक अब एज अ स्पीकर क्या क्या एक्चुअल अच्छे मोमेंट्स होते हैं? अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो वो आपकी कॉन्वर्सेशन में इंटरैक्ट करे, जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसके नीचे आंसर्स दे, है ना. सो ये क्या होता है, एक एक्टिव लिसनर के ट्रेड्स होते हैं. और अगर आप ऐसे पार्टिसिपेट करोगे तो जो सामने वाला है वो भी अपना कंप्लीट देगा आपको. क्लियर? Nonetheless, there are some barriers. So now we are moving towards barriers to active listener. क्या क्या barriers हो सकते हैं देखो, यहाँ से start करेंगे हम. Inadequate language base. Inadequate language base मतलब कि आपको
एक्चुअल में लैंग्वेज के बारे में नहीं पता, आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है आपने, मतलब आप स्किलफुल नहीं हो एक लैंग्वेज को लेकर। एक लिसनर को अगर पंजाबी लैंग्वेज नहीं पता और मैं अपना पूरा लेक्चर पंजाबी में दे दूं, या हिंदी नहीं आती और मैं अपना पूरा लेक्चर हिंदी में दे दूं, तो क्या होगा? इट इज अ बैरियर विच इज कॉल्ड इन एडिक्वेट लैंग्वेज बेस। फिर आता है पार्शियल लिसनिंग। लिसनिंग बीच बीच में पार्शियल लिसनिंग आप कैसे करते हो? ऊपर हमने पढ़ा था पैसिव लिसनिंग, ये पैसिव लिसनर के बारे में, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्शियल लिसनिंग के बारे में। पार्शियल लिसनिंग कैसे करते हैं हम? एक्चुअली वी मल्टी टास्क। अब बच्चे क्या करते हैं, क्लास चल रही है, बीच में फटाफट से कोई मैसेज आया, डिस्ट्रैक्ट हो गया माइंड, है ना, फिर व्हाट्सएप को मैसेज देखने लग गया, फिर भूल गए कि क्या हमारी कॉन्टिन्यूएशन या चेन बन रही थी, फिर उन्हें समझ में नहीं आता। तो इसलिए पार्शियल लिसनिंग मींस मल्टीटास्किंग एट द सेम मोमेंट। अगर अभी भी क्लास चल रही है तो आप कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, कुछ बच्चे फोन व्हाट्सएप देख रहे होंगे अपने बीच बीच में, तो उससे क्या होगा, एक्चुअली दे वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड माई कंप्लीट मैसेज एंड दिस विल एक्ट एज अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। फिर आता है थर्ड, दैट इज disinterestedness। अब अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करूं तो कुछ बच्चों को इतना अपडेटेड पॉलिटिक्स के बारे में नहीं होंगे, सो दे आर एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। और फिर क्या होता है, प्री जजिंग। फोर्थ है प्री जजिंग द स्पीकर और द स्पीच। प्री जज करना मतलब एक्चुअली लाइक स्पीकर को उसके ड्रेसिंग सेंस से कैसा वो बोलता है, कभी कभी मॉक कर देते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स की प्रोनंसिएशन जो होती है कुछ कुछ लोगों की ठीक नहीं होती है। जैसे कि अब मैं बोलूं सोशल वर्ड है तो कुछ कुछ लोगों से कैसे बोल देते हैं, सोशल। तो दिस इज लाइक जजिंग द स्पीकर, ऐसे नहीं करना चाहिए। लिसन टू एक्चुअली व्हाट ही सेइंग रादर देन मेकिंग फन ऑफ द स्पीकर। इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेगेटिविटी टुवर्ड्स द स्पीकर। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत उनमें ईगो आ जाती है कि ओ ये तो गलत ही बोल दिया हमने, नहीं आगे का तो कभी कभी गलती हो जाती है एज अ स्पीकर, ठीक, तो तुम पिन पॉइंट आउट करो और आगे जो भी अपने अपने से बड़े लोग हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ग्रास्प करने की कोशिश करो, ठीक। तो नेगेटिविटी टुवर्ड्स द स्पीकर मतलब एक्चुअल में एनिमोसिटी होना, आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंस या प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे हो वो आपके साथ स्पीकर के सही ना हो, तो ये सारे क्या क्या करते हैं, यू विल, या फिर कुछ बच्चे होते हैं दे बार बार इंटरप्ट द स्पीकर रेगुलरली, बीच में कुछ सेंटेंस कंप्लीट नहीं है कि फिर से मैम तो ये वाला क्वेश्चन सर ये वाला क्वेश्चन, तो ऐसे क्या करते हैं, दे ट्राई टू आर्ग्यू, तो इसका मतलब दे आर शोइंग नेगेटिविटी टुवर्ड्स द स्पीकर। अब आता है डेफिडेंस। डेफिडेंस मीन्स लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब क्या होता है कि अब कुछ जो न्यू कमर्स होते हैं या अगर एक कंपटीशन चल रहा है, जो बच्चे पहली बार खेल रहे हैं, तो उन्हें क्या लगेगा कि एक्चुअली दे आर नॉट गुड इनफ, दे लैक दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वो क्या करेंगे, दिस लैकिंगनेस विल एक्ट एज अ बैरियर इन देयर ब्रेन एंड दिस इज अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। फिर आता है ओवर एंथुजियाज्म एंड इनटॉलरेंस। अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम ने अभी स्पीकर क्या करता है, कुछ कुछ पॉजेस देता है। पॉजेस क्यों देते हैं स्पीकर, सो दैट आप कंटेंट एब्जॉर्ब करो, इतना जो हैवी स्टेटमेंट्स दी हैं, बट बच्चे क्या करते हैं उन पॉजेस में अपनी अपना लाइन ऑफ स्टेटमेंट शुरू कर देते हैं कि दिस मींस, मैंने एक लंबा पॉज दिया तो फटाफट बच्चे ने क्या किया, फटाफट से ये कंप्लीट कर दिया। तो ये स्पीकर जो लिसनर्स होते हैं वो स्पीकर के एंड पे सेंटेंसेस कंप्लीट करने लग जाते हैं, तो दिस इज इनटॉलरेंस या ओवर एंथुजियास्टिक बिहेवियर, क्योंकि कुछ ब्रेक स्पीच में डेलिबरेट होते हैं, ठीक, और हर ब्रेक का मतलब ये नहीं होता, हर एक लॉन्ग पॉज का मतलब ये नहीं होता दैट द स्पीकर हैज फिनिश्ड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्पीकर ये भी कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, ही इज ट्राइंग टू फ्रेम अ सेंटेंस इन हिज माइंड, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा टाइम कंसिडरेबल अमाउंट लग जाता है, तो उसमें यू नीड टू बी पेशेंट, इफ समबडी इज ऑन द स्टेज जस्ट लिसन टू दैट पर्सन। फिर आते हैं एट्थ, दैट इज डीप रूटेड बिलीव्स। अब स्पीकर के कुछ बिलीव्स हैं और आपके बिलीव्स उसके कॉन्ट्ररी हैं, तो ये क्या होगा, बिलीव्स का क्लैश हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये दिस विल एक्ट एज अ बैरियर कि आप मानोगे ही नहीं, आप एग्री नहीं करोगे स्पीकर के
व्यूज से, ओपिनियन से, तो फिर क्या आ जाएगा, एक बैरियर आ जाएगा कि नहीं अब तो मुझे सुनना ही नहीं है, ये तो इन्होंने मुझसे ऑपोजिट ही कह दिया। बट नहीं, अगर कोई है उनका व्यू को समझो, एक कहावत है ना, सुनो सबकी और करो अपनी, तो सुननी तो सबकी चाहिए विद अ फुल माइंड, क्या पता आपका कुछ पर्सपेक्टिव में एडिशन हो रहा हो। तो ऐसे ही जब डीप रूटेड बिलीव्स होते हैं तो दे ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। क्लियर? अब इन सब के बारे में पढ़ते हैं हम। इन एडिक्वेट लैंग्वेज बेस, सफिशिएंट लैंग्वेज बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड टू फुली अंडरस्टैंड द स्पीकर। जैसे कि अगर अब मेरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में है क्लास, तो आपको दोनों लैंग्वेजेस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ तो आनी ही चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग। Despite one best effort to intensely participate in the communication process, inadequate language base will act as a deterrent. Deterrent means कि it will act as a barrier कि अगर आप participate तो कर रहे हो class में, but आपको मेरी language ही समझ नहीं आ रही, मेरे ऐसे पंजाबी वाले phrases ही समझ नहीं आ रहे, मेरे को मेरे हरियाणवी वाले या महाराष्ट्रियन वाले phrases ही समझ में नहीं आ रहे, तो क्या होगा? These all will act as a barrier. Weak language proficiency, lack of technical vocabulary combined with fear, weak language proficiency, lack of technical vocabulary. Technical vocabulary means कि अगर मैं C++ या Java की आपको examples देने शुरू कर दूं, तो क्या होगा वहां पे? आपके पास उसकी टेक्निकल वोकैबुलरी है ही नहीं, जो कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे होंगे जिन्होंने कंप्यूटर्स लिया होगा अपने एडिशनल सब्जेक्ट में, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो आपको टेक्निकल वोकैबुलरी नहीं है उस सब्जेक्ट की, तो दिस विल एक्ट एज अ बैरियर कंबाइंड विद फियर ऑफ शाइनेस। मतलब बच्चों को अगर दो तीन वर्ड समझ में नहीं आते, दो तीन तो पूछ लिए, अब हर एक ही सेंटेंस में कुछ शर्म समझ नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे वो? बार बार अपना हैंड रेज करने से शाय करेंगे, शर्माएंगे, will hinder the progress of learning a new subject. Clear? Phir aata hai partial listening. Partial listening occurs when people happily indulge themselves in multitasking and allow themselves to be distracted easily. Ab allow themselves to be distracted easily matlab ki koi bahar se ek awaaz aa gayi ya koi bahar se ek horn ki sound aa gayi ya koi class ke bahar se itna tez gaane baja ke ja raha hai, तो आपका ध्यान, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर उस गाने में वो कौन सी मूवी थी वहीं पे आपका सारा ध्यान चला गया, तो इतना इजीली मल्टीटास्किंग मींस कि आप क्लास में बैठे हो, फटाफट अपना कोई और प्रोजेक्ट वर्क भी लिखे जा रहे हो, साथ में मैम को सुन भी रहे हो, ऐसे तो नहीं होगा ना, एक ही काम करना चाहिए एक बारी में। अब दिस इज अ फैक्ट, लाइक व्हेनेवर यू आर स्टडिंग, फोन साइड में रखो और पढ़ो, गिव 100% टू वन टास्क एट अ टाइम। ये नहीं है कि आप फोन पे भी बात कर लो, साथ में बुक के पेजेस भी पलट लो, ऐसे नहीं होता। एक काम को करो, 100% देके करोगे वो उतना ही काम एफिशिएंटली होगा। और लोगों को लगता है कि अब देयर इज अ फैक्ट एज वेल, 0.9% पीपल या 0.1% और 0.9%, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट फिगर, बट अ वेरी लाइक लेस देन 1% पीपल कैन ओनली मल्टीटास्क। Rest 99% cannot multitask, but they think that they can multitask, but it is not true. So I don't know whether you are in that 1% people or not, but try not to multitask, right? Yeah. For instance, when talking over a phone during a conversation, many people are habituated to flip through books. Through a book or surf through the internet, due to which they fail to pay full attention to the speaker. और जब आप ये कोई multitasking का या multitasking में book के पन्ने पलटा रहे हो अपना phone attend करते हुए, तो क्या होगा? Actual में जो phone पे आपकी conversation चल रही है, आप उसे ढंग से सुन ही नहीं पाओगे, भूल जाओगे, याद ही नहीं रहेगा क्या क्या बोला था points, कुछ points याद रह जाएंगे, कुछ points याद ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए pay full attention to one task at a time. This is my advice to all of you. Because the mind is involved in too many things. Its important details are missed in partial listening. Aise you will miss out on important details. Phir aata hai disinterested, and lack of interest in the subject prevents one to pay complete attention. Ab main na, dekho example hi diya maine,
पढ़ लेते हैं. स्टूडेंट्स फॉर इंस्टेंस मे रिमेम्बर पॉप सॉन्ग मोर इजीली देन द नेम ऑफ ऑथर. सो ड्यू टू डिसइंटरेस्टेडनेस इन द सब्जेक्ट ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन द लिसनर मे फोकस ऑन देयर ऑन द अदर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स. तो क्या आपको पॉप सॉन्ग्स या फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स के जितने भी सारे लिरिक्स हो वो ज्यादा इजीली लर्न रहते हैं और एक बार सुनने से ही लर्न हो जाता है क्योंकि यू पे फुल अटेंशन टू इट. दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट सो दैट्स व्हाई यू रिमेम्बर इट. फिर आता है प्री जजिंग द स्पीकर और स्पीच. द लिसनर्स फॉर्म बायस्ड ओपिनियन बाय लुकिंग एट स्पीकर्स लुक ड्रेस और मैनरिज्म. ठीक. So they start prejudgments. The bias against the speaker can be formed due to one's own gender and color preferences. Biases can be formed based on your own culture, या फिर किस gender को belong करते हो, या फिर what are your color preferences. Even the status of the speaker, depending whether on its high or low, can affect the logical thinking of the listener. Even the status of the speaker can affect the listening ability of the listener. Negativity towards the speaker. ये पढ़ो. ये हमारा fifth. अभी तक हमने कौन-कौन से पढ़ लिए? एक तो language barrier हो सकता है. Inadequate language base और partial listening. कि आप आधा सुनते हो, multitask करते हो. थर्ड हमने पढ़ा you are actually disinterested in the subject. फिर हमने पढ़ा negativity towards the speaker. नहीं, negativity तो भी हमें पढ़नी है. फिर आया prejudging the speaker or the speech. अब हम पढ़ रहे हैं negativity towards the speaker. The major cause of poor listening is due to listeners' emotional, mental and psychological mindset. If there is any dislike for the speaker and disapproval to his or her ideas, the listener will certainly reconstruct distorted and negative message. When there is negativity, the listener shows animosity. Animosity means hatred, and hatred undermines the speaker's capability. Animosity aate hi, opposition aate hi, jo bhi aapki listening ki capacities hoti hain, wo band ho jaati hain. And keeps disagreeing with the speaker's viewpoint. तो ऐसे लोग क्या करते हैं? जो भी speaker बोल रहा है, उसके viewpoint से agree नहीं करेंगे, argue करते रहेंगे बार-बार. ठीक. The listener will even go to the extent of ridiculing, insulting, humiliating the speaker in public. अगर इतना नेगेटिव हो जाता है सब कुछ तो फिर आता है diffidence. Diffidence means a quality of being shy and not confident of your own abilities. मतलब शाय भी होना और कॉन्फिडेंट नहीं हो आप अपने में. आ जाता है नए क्लास में बच्चे आते हैं दूसरे स्कूल से आए थे तो क्या होते हैं पहले पहले वो शाय होते हैं कम्युनिकेट करने में. तो दैट इज दे आल्सो लैक अ सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग देम. सम लिसनर्स सफर फ्रॉम डिफीटिश. डिफीटिश मीन्स रेडी टू एक्सेप्ट फेलियर एटीट्यूड. डिफीट होने वाला एटीट्यूड होता है कुछ बच्चों का लिसनर्स का. हेंस underestimate their self capabilities and decide in advance that they cannot understand what they are going to hear. Aur matlab ye aise bolte hain that they won't be able to understand what they will be listening. Mostly new students and participants in the conference suffer from this kind of self diffidence and affect the listening process. Over enthusiasm and intolerance. They are listeners who often become over enthusiastic and intolerant and start supplying gaps to the speaker's ideas. अब क्या होता है कुछ कुछ मैंने हमने बात करी थी ना कुछ कुछ स्पीकर्स ऐसे होते हैं जानबूझ के फिल इन द ब्लैंक्स की जगह तरह सेंटेंसेस रखते हैं. क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि लिसनर अपने माइंड में ये सेंटेंस कंप्लीट करे. इससे स्पीकर को पता चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो ऐसे ही फटाफट से आपको स्पीकर के गैप्स को सप्लाई नहीं करना चाहिए जब तक पूछा ना जाए. दिस जनरली कम्स आउट ऑफ इम्पेशेंस फ्रॉम द लिसनर साइड हु फाइंड द स्पीकर स्लो टू कम्युनिकेट हिज और हर आइडियाज. या फिर कुछ बच्चों को लगता है ना ये तो कितना स्लो है ये स्पीकर कितना स्लो है
हम ही बोल देते हैं फटाफट, ऐसे नहीं होना चाहिए. सो द लिसनर एडवांसेस द क्वेश्चंस एंड इन्फरेंसेस क्विकली प्रिवेंटिंग द स्पीकर टू फिनिश द टॉक ऑन हिज और हर ओन पेस. तो आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई स्पीकर आया है, लेट हिम फिनिश एट हिज ओन पेस. डू नॉट यूज फिलर वर्ड्स लाइक डू नॉट फिल द गैप्स, डू नॉट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द स्पीकर. बी देयर, बी अ लिटिल पेशेंट. In the process, the listener resumes the speaker's flow of thought in advance and impedes his or her own mind from active listening. Clear? Phir aata hai last, deep-rooted beliefs. Sometimes one tend to become close-minded due to one's own deep-rooted beliefs and convictions. Clear? Toh kabhi-kabhi kya hota hai? Aap open up kar hi nahi paate ho because aapko culturally ya your deep-rooted belief is something that जब भी आपके beliefs पे question आता है ना, तो आप बड़े defensive way में react करते हो, like it's a human nature. मैं एक general statement बोल रही हूँ, जब भी आपके beliefs पे, values पे questions उठते हैं, तो आप बड़े fighter, warrior spirit में आ जाते हो कि ऐसे कैसे, ये कैसे बोल दिया, मैं तो नहीं मान रही. तो तब क्या होता है, socio culturally embedded beliefs and conviction become so strong and firmly rooted in one's mind and act as a barrier to new thoughts and fresh ideas. To aapke deep rooted beliefs kya karte hain, they will act as a barrier to the new thoughts and fresh ideas. Such deep rooted beliefs lead to superficial listening. Isme kya karte ho, you listen superficially, upar upar se samajh liya, but dimag mein to kuch pad hi nahi raha na, kyunki it is contradicting my own beliefs and cause disagreement. हर आप एक बात पे डिसएग्री करोगे विद द स्पीकर स्टैंड्स एंड व्यू पॉइंट. फिर आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग? आज की क्लास में हम 5 कवर अप करेंगे, देखते हैं कितने कवर अप हो जाए. प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग इज नंबर 1, स्टॉप टॉकिंग. इसमें क्या बोल रहे हैं, You should actually stop talking so that you can hear. अभी हमको बताओ कि सबको कितने mouth दिए गए हैं. God ने हमें 1 mouth दिया है ना, और कितने कान दिए हैं, 2 कान दिए हैं. क्यों दिए हैं? So that we listen more and speak less. तो क्या करना चाहिए हमें, You should listen more and you should speak less. तो stop talking and listen. Prepare yourself to listen. Prepare yourself to listen. Distractions of human brain. अभी क्या होता है, जैसे कि आपके बहुत सारे thoughts चलते रहते हैं. Prepare yourself to listen distractions of human brain. मतलब बहुत सारी distractions, बहुत सारी new ideas, वो पुरानी बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं. But when you start to listen, listen with full concentration. Clear? फिर आता है put the speaker at ease. How will a listener put a speaker at ease? By nodding, by making an eye contact, by actually responding to the questions जो कि आपके speaker put up कर रहा है. That is how you will put the speaker at ease. फिर आता है remove distractions. Distractions कैसी? अब कुछ बच्चे होते हैं यहाँ ना, ऐसे डूडल करते रहते हैं, कुछ भी, किसी की भी फोटो बनाते रहते हैं, कोई जेस्चर्स बनाते रहते हैं, कुछ डिजाइंस करते रहते हैं. तो दिस इज डूडलिंग. डूडल नहीं करना है, पेजेस फ्लिप नहीं करना. बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मैम ने बोला तो जानबूझ के टर्न करने के लिए पेज करते रहते हैं पेजेस टर्न, या विंडो के बाहर देख लेंगे, कुछ बाहर की नॉइज आ गई तो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सो दैट मीन्स यू नीड टू रिमूव ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस. अब एक्टिविटीज हो रही हैं, अपने हाथों पैरों को थोड़ा अपने कंट्रोल में रखो और सारी सेंसेस सुनने में लगाओ. बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास में अगर कुछ बोला जा रहा है कि हाँ ये लिख लो, तो मतलब वो लिखना है, उसमें भी बैठे नहीं रहना है. फिर है एम्पथेटिक. एम्पथेटिक कैसे, यू नीड टू एक्चुअली स्टेप इन टू द शू ऑफ द लिस्ट ऑफ द स्पीकर एंड लेट गो ऑफ योर प्री कंसीव्ड आइडियाज दैट आर देयर. क्लियर? Sixth is be patient. अभी हम आज क्लास में बस इतना नहीं कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. चलो अब पढ़ते हैं. स्टॉप टॉकिंग. डोंट टॉक, लिसन.
if we were supposed to talk more than we listen, we would have two tongues and one ear. है ना, अगर बोलने को ज्यादा कहा होता तो गॉड ने कितने मुंह बनाने थे, दो बनाने थे, बनाया कितना, एक बनाया. When somebody else is talking, listen to what they're saying. Do not interrupt. Talk over them or finish their sentences for them. Stop. Just listen. When the other person has finished talking, you may need to clarify to ensure you have received their message accurately. Ya jab aapse koi questions puche jaye, try answering them tabhi hogi. Prepare yourself to listen. Relax. Focus on the speaker. Put other things out of your mind. The human mind is easily distracted by other thoughts. What's for lunch? What time do I need to leave to catch my train? Is it going to rain? Try to put other thoughts out of the mind. Concentrate on the message that is being communicated. Put the speaker at ease. How will you put the speaker at ease? Ease. Ease means an easy state. Help the speaker feel free to speak. Remember their needs and concerns. Nod or use other gestures, words or words to encourage them to continue. कि अगर मैम पूछे कि क्लास में आपको समझ में आ रहा है तो आपको क्या बोलना चाहिए? Yes, ma'am. अपने questions के answers देने चाहिए जो भी ma'am question put up कर रही हैं. Maintain eye contact but do not stare. घूरी नहीं वटनी. एक जेंटल आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है थ्रू आउट द स्पीकर्स कम्युनिकेशन. शो यू आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग सेड. फिर आता है रिमूव डिस्ट्रैक्शंस. फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग सेड. डोंट डूडल, शफल पेजेस, लुक आउट ऑफ द विंडो, पिक योर फिंगरनेल्स और सिमिलर. मतलब फिंगरनेल्स खाना, मुंह में डालना या कुछ 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 करते रहना, ऐसे सब नहीं करनी. You need to remove all these distractions. Avoid unnecessary interpretations. These behavior disrupt the listening process and send message to the speaker that you are bored or distracted. अगर आप विंडो के बाहर देखना शुरू कर दोगे, क्लास के बीच में ड्रॉइंग बनानी शुरू कर दोगे, तो स्पीकर को क्या लगेगा कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो अब उनके टॉपिक में, तो क्या करेंगे, फटाफट से वाइंड अप कर देंगे. क्लियर? ऐसे भी नहीं करना चाहिए. एम्पथाइज. Try to understand the other person's point of view. Look at issues from their perspective. Let go of preconceived idea. Preconceived means that are already existing in your brain. Those ideas ko let go karna hai. By having an open mind, we can more fully empathize with the speaker. If the speaker says something that you disagree with, then wait. And construct an argument to counter what is said, but keep an open mind to the views and opinions of others. Agar aap kisi point pe disagree bhi kar rahe ho, to wait for a while, frame a question in your head and then ask. Clear? Be patient. A pause, even a long pause, does not necessarily mean that speaker has finished. पॉजेस लेने का मतलब ये नहीं होता. ये तो हमने अभी डिस्कस किया दैट द स्पीकर मस्ट हैव फिनिश्ड. बी पेशेंट एंड लेट द स्पीकर कंटिन्यू इन देयर ओन टाइम. सम टाइम इट टेक्स टाइम टू फॉर्मुलेट व्हाट दे से एंड हाउ टू से इट. तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी टाइम लग जाता है एक सेंटेंस को फ्रेम करने में. दिमाग में उसने फ्रेम करना, फिर उसे बोलना, आपको किस वे में समझाना है, इन सब में थोड़ा सा टाइम लग जाता है. तो इसलिए डोंट फिल द पॉसेस एंड डोंट पॉज का मतलब ये भी मत समझना कि द स्पीकर हैज फिनिश्ड. नेवर इंटरप्ट और फिनिश अ सेंटेंस फॉर समवन. क्लियर? अब चलो आगे कर ही लेते हैं. अवॉइड पर्सनल प्रेजुडाइसेस. ट्राई टू बी इम्पार्शियल. Avoid personal prejudices means avoid your personal opinions and judgments towards anyone. या फिर एनी सब्जेक्ट. ट्राई टू बी impartial. पार्शियल नहीं होना है, किसी को फेवर नहीं करना है. डोंट बिकम इरिटेटेड एंड डोंट लेट द पर्सन्स हैबिट और मैनरिज्म डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द स्पीकर, फ्रॉम व्हाट द स्पीकर इज रियली सेइंग. और कभी कभी क्या होता है, पीछे कुछ बच्चों की बातें हो रही हैं, खुसर पुसर हो रही है क्लास में, तो आपको क्या होता है, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड. आप उन्हीं की बातों में लग जाते हो. पीछे आर्ग्यूमेंट में लगने से क्या बेटर है कि आप मैम की बात सुनो. आपको यही करना चाहिए. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर्स.
everybody has a different way of speaking. Some people are, for example, more nervous or shy than others. Some have regional accent. Regional accent means accent hoti hai aapki. जैसे कि कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन हरियाणा में डिफरेंट होगी, पंजाब में डिफरेंट होगी, महाराष्ट्र में डिफरेंट होगी. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजनल एक्सेंट एंड मी एक्सेसिव आर्म मूवमेंट. और कभी कभी कुछ स्पीकर्स की बहुत ज्यादा आर्म मूवमेंट्स होती हैं. सम पीपल लाइक टू पेस विलिस टॉकिंग, अदर लाइक टू सिट स्टिल. और किसी को क्या अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, मूव करके टॉक करना अच्छा लगता है. किसी को सिट स्टिल अच्छा लगता है. फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग सेड एंड ट्राई टू इग्नोर द स्टाइल्स ऑफ डिलीवरी. मतलब ये जो भी आपका स्पीकर का स्टाइल हो उसे इग्नोर करना है. लिसन टू द एग्जैक्ट मीनिंग एंड अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग. जो भी उनके मैसेज वो देना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए. लिसन टू द टोन. वॉल्यूम एंड टोन बोथ ऐड टू व्हाट समवन इज सेइंग. वॉल्यूम भी मैटर करती है, टोन भी मैटर करती है. अ गुड स्पीकर विल यूज बोथ वॉल्यूम एंड टोन टू देयर एडवांटेज टू कीप द ऑडियंस अटेंटिव. मतलब कभी कभी क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा अगर आपकी स्पीच में वॉइस मॉड्यूलेशंस नहीं होंगे या आप बहुत धीरे बोलोगे तो क्या होगा, लोग सो जाएंगे. अब आप एक ही टोन का म्यूजिक सुनते रहते हो. मेडिटेटिव म्यूजिक कैसे होते हैं, एक ही टोन में बहुत सॉफ्ट होते हैं, उससे यू टेंड टू स्लीप. बट अगर आप यही लाउड पॉपी म्यूजिक सुनोगे तो आप क्या सोओगे, नींद नहीं आएगी. एवरीबडी विल यूज पिच टोन volume of voice in certain situations. Let these help you understand the emphasis of what is being said. Listen for ideas, not just words. You need to get the whole picture, not just isolated bits and pieces. To isse to hame heading se hi pata chal raha hai, you need to listen to the whole idea, not just to the verbal vocabulary that is being said. Maybe one of the most difficult aspect of listening is the ability to link together pieces of information to reveal the ideas of others. With proper concentration, let go of distraction and focus this becomes easier. Last point is wait and watch for non-verbal communication. Gestures, facial expressions, eye movements can all be important. We do not listen with our ears but also with our eyes. हम आईज से कैसे देखते हैं कि क्या नो की फॉर्म है, कैसा आई कॉन्टैक्ट है, क्या बॉडी मूवमेंट है, कैसे अप एंड डाउन हो रहा है. कभी कभी बच्चों को ये पांच रह जाता है यार कि हैंड मूवमेंट्स कैसे थे, पांच हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ लिसनर्स. तो ये सब यू लिसन नॉट ओनली विद योर ईयर्स बट ऑल्सो थ्रू योर आईज. वॉच एंड पिकअप एडिशनल इंफॉर्मेशन बींग ट्रांसमिटेड बाय अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. क्लियर? So that's it for this class. Next we'll continue in the next class. Aur next class mein hum ye chapter khatam kar denge. So make sure that you go through the entire chapter. Do classes hui hain, dono classes acche se karni hai. Okay?